मोहन यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्र पटल पर पहुंचाने का संकल्प मंचासीन समस्त नेतृत्व मोहन यादव जी के नेतृत्व में आप सबके साथ कुशल पूर्वक करेगा, ये विश्वास हम आपको दिलाएंगे। ना हम रुकेंगे, ना हम चैन की सांस लेंगे। आपके हर ख्वाहिश को, आपके हर सपने को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है, जनता के सपने को हमें अपना संकल्प बनाना होगा, जनता के सपने को हमें अपना संकल्प बनाना होगा, और उसी संकल्प को जब तक सिद्धि तक हम ना पहुंचाए तब तक जी जान मेहनत करके दिन रात एक करना होगा। आज इस कार्यक्रम में हमारे विभाग के मंत्री चैतन्य कश्यप जी, मेरे दिल के में एक उमंग है, क्योंकि आज जब एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं महाकाल की नगरी से, उज्जैन की महाकाल की नगरी, जिस उज्जैन के साथ सिंधिया परिवार का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, पहली राजधानी हमारी उज्जैन की होती थी, उस उज्जैन से हमारे मोहन यादव जी महाकाल की नगरी के मोहन यादव जी आज मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित हैं, एक उमंग की भावना ग्वालियर चंबल संभाग में है। और वहीं दूसरी तरफ चेतन कश्यप जी भी हमारे बीच में है। जिस मेले की जिम्मेदारी मोहन यादव जी ने चेतन कश्यप जी के हाथ में दी है, अटूट विश्वास है कि ये मेला भी इनके नेतृत्व में आगे बढ़कर विकास और प्रगति के नए आयाम छुएगा, क्योंकि चेतन कश्यप जी भी रतलाम क्षेत्र से आते हैं जो पुराना ग्वालियर स्टेट का क्षेत्र है, तो एक हृदय का संबंध इनके साथ भी हमारा रहा है। 1905 में इस मेले की शुरुआत सिंधिया परिवार के मुखिया ने, नवीन ग्वालियर के संस्थापक माधव महाराज प्रथम ने 1905 में शुरुआत की। एक अकाल आई और उस अकाल के वातावरण में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, किसानों की व्यापार को बढ़ाने के लिए, एक नई तीव्र गति प्रदान करने के लिए ये 100 एकड़ की जमीन जो आज मेला प्राधिकरण श्रीमन माधवराव सिंधिया मेला प्राधिकरण के अधीन है, माधव महाराज ने उस समय में पहला किसानों के लिए पशु मेला की शुरुआत इसी प्रांगण में की थी। और पूरे देश में ये पहला पशु मेला था। उनकी सोच विचारधारा जिससे आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, उस समय में ग्वालियर स्टेट पहला स्टेट था जहां ग्वालियर स्टेट की रेलवे चलती, उज्जैन से मंदसौर से नीमच तक, रतलाम तक, ग्वालियर से श्योपुर तक, ग्वालियर से भिंड तक, ग्वालियर से शिवपुरी तक। और इसी सोच और विचारधारा के साथ कि श्योपुर का किसान, भिंड का किसान, शिवपुरी का किसान अपना अनाज रेलवे के आधार पे भी ग्वालियर के मंडी में ला पाए, उस विचारधारा के साथ माधव महाराज ने यह पशु मेला की स्थापना की थी। और तीव्र गति से वृद्धि और विकास इस मेला का हुआ। मेरे दादा, मेरे आजोबा शिवाजीराव महाराज ने 1937-1938 में जो आज प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, एक स्वच्छता अभियान इस मेले के द्वारा की शुरुआत की थी संपूर्ण ग्वालियर में। इस मेले में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, एक रेडियो सिस्टम पूरे मेले में बिछवाया है, और जो भी किसान और जो भी व्यापारी अपना माल देश के किसी भी कोने में बेचना चाहता था, अगर वो रेलवे का टिकट खरीदता था यहां से गुजरात जाने के लिए, उत्तर प्रदेश जाने के लिए, उस रेलवे टिकट पर रियायत डिस्काउंट ग्वालियर स्टेट के द्वारा उस किसान और व्यापारी को दिया जाता।
ताकि ग्वालियर का माल, ग्वालियर का व्यापार देश भर में जा पाए। और उसी सोच और विचारधारा को आगे लेते हुए 1984 में मेरे पूज्य पिताजी ने एक रूपरेखा इस मेले के लिए बनवाई। एक मेला प्राधिकरण 1996-97 में स्थापित हुई और एक भाई बहन का रिश्ता, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में दो शहरों का रिश्ता होता है भाई बहन का, वैसे मेले का रिश्ता दिल्ली के प्रगति मैदान के ITPO के साथ ग्वालियर मेला का रिश्ता पूर्ण रूप से फॉर्मल रिश्ता बनाने का काम 1996-1997 में मेरे पूज्य पिताजी ने किया। एक भव्य रूप ITPO इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अथॉरिटी के साथ इस मेले का रिश्ता बना और धीरे धीरे मेला का व्यापार, मेले के कारोबार, मेले का आय का स्रोत भी बढ़ता गया। लेकिन उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण कदम मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाई, वो महत्वपूर्ण कदम कि 50% रियायत रोड टैक्स के विषय पर मेले में बेचने के गाड़ियों को दी गई। और आज इस मंच से मैं मोहन यादव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार भी मुझे पिछले एक महीने में, जब से इन्होंने पद ग्रहण किया, एक बार भी मुझे निवेदन नहीं करना पड़ा। हमारे मुख्यमंत्री ने स्वयं निर्णय लिया कि मैं मेले में तभी आऊंगा जब कैबिनेट के द्वारा वो 50% दिया है मेले को लेकर जाऊंगा। ऐसी सोच और विचारधारा मोहन यादव जी की रही है व्यापार को बढ़ाने के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछले बार कोविड के पहले 400 करोड़ की रेवेन्यू थी इस मेले। जब कोविड के एक साल पहले हमने रियायत दी, 700 करोड़ का टर्नओवर हुआ। और मुख्यमंत्री महोदय, जब कोविड के बाद पहले साल हमने रियायत दी, 700 करोड़ का टर्नओवर बढ़ के 1000 करोड़ का टर्नओवर मेले का बन चुका है। और आज ग्वालियर के जनता के तरफ से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो असीम कृपा रही है, आने वाले समय में इस रिकॉर्ड को भी हम आपके नेतृत्व में तोड़ने जाएंगे। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस मेले को भव्य रूप हमें देना होगा। अभी नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे इस मेले में केवल व्यापार नहीं होता, केवल खान पान की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन इस मेले में हमारे इतिहास और परंपरा के आधार पर संस्कृति, नृत्य, हमारे इतिहास की कल्पना इस मेले के मंच पे किया जाता है। मैं आपके द्वारा और चेतन जी को भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगले वर्ष भव्य रूप से राष्ट्रीय स्तर के हमारे कलाकारों को हमें यहाँ आकर्षित करना चाहिए ताकि एक रंगमंच भी ये बने। ग्वालियर चंबल संभाग राजा मान सिंह तोमर की नगरी है, संगीत विश्वविद्यालय है, आपके दिल के बहुत करीब है मुख्यमंत्री जी। एक भव्य सांस्कृतिक रूप भी इस मेले को हम दे पाए, इन्हीं शब्दों के साथ आप आज हमारे बीच में आए, दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। ग्वालियर मेला एक मेला नहीं है, अपितु इस तपोभूमि की एक दीर्घकालीन परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार है, लोकोत्सव है, सामाजिक नीति है। ग्वालियर चंबल अंचल का निवास है, उत्साह, उल्लास और हर्ष की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, देशज कलाओं के प्रशिक्षण का मंच है, सामाजिक संरचना का एक सशक्त स्नेह बल है। प्रेम, अनुराग, भाईचारा, सहयोग, सरोकार, सामंजस्य जैसे मानवीय एवं सामाजिक जीवन मूल्यों का पोषक उत्सव है। इस मेले के शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर